कभी इंदौर की आर्थिक नबज कहे जाने वाली शहर की कपड़ा मिले अब बंद हुए सालों बीत गए, किंतु मिलों की जमीनों को लेकर अब भी कई तरह से मामले उलझे हैं। जहां बीते दिनों मालवा और कल्याण मिल की जमीन की लीज निरस्त होने की खबर के बाद आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आपके प्रदेश प्रवक्ता हेमंत जोशी ने आज बताया कि शासन प्रशासन मिल की जमीन पर सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनाना चाहता है। वहीं आम आदमी पार्टी की मांग है कि शहर में ऑक्सीजन और पानी की कमी दूर करने के लिए दो मिलों की जमीन को सिटी पार्क के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही इन मिलों में कई कुएं बावड़ी हैं, जिससे शहर में जल समस्या भी काफी राहत मिल रही है और जल समस्या से काफी राहत मिल सकती है। शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के लोगों ने आज मालवा मिल परिसर में छांवदार पौधों का वृक्षारोपण किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि मिलों की जमीनें और पर्यावरण सुधार के लिए यदि सड़क पर भी आंदोलन करना पड़ा तो वह आंदोलन करेंगे। सर, आज मिल परिसर में आम आदमी पार्टी के लोग आए हुए हैं, आप लोग क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरह ये जो इंदौर शहर है इसको ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो ये जो इंदौर के दो फेफड़ों के रूप में काम कर रहे हैं, कल्याण मिल और मालवा मिल, पर सरकार इस पे सीमेंट और कंक्रीट का जंगल खड़ा करना चाहती है और उसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि इंदौर में जब आप पानी की कमी हुई थी तो ये मालवा मिल के कुएं ने इंदौर को बचाया था। इसमें बड़े बड़े कुएं हैं, इसमें बड़े बड़े बावड़ी हैं, इसमें बड़े बड़े पेड़ हैं। तो हमारा ये अनुरोध है और हम इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि इसको नष्ट नहीं किया जाए, इसको एज ए सिटी पार्क विकसित किया जाए जो इंदौर के आबो हवा को स्वच्छ रखे, साफ रखे, और इसके लिए सभी पर्यावरण प्रेमी हमारे साथ में है। हम इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे और बहुत अग्रेसिव रूप से इसको, इस जंगल को बचाने के लिए काम करेंगे। आज क्या करने जा रहा है? आज हम देखिए पौधारोपण भी करेंगे यहाँ पर, दूसरा जो बड़े बड़े पेड़ है उसकी मार्किंग करेंगे कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं। यहाँ पीपल है, यहाँ बड़ है, यहाँ गुलर है, यहाँ नीम है, जो इंदौर की आबो हवा के लिए जरूरी है। देखिए, विकास तो करोगे पर आप विकास ठीक से नहीं करोगे तो इंदौर की जनता कैसे सांस लेगी, इंदौर का कैसा स्वच्छ वातावरण होगा, इंदौर में प्रदूषण कैसे कम होगा। तो ये इंदौर के शहर के लिए बहुत जरूरी है। सर, क्या सड़कों पर भी उतरेगी आम आदमी पार्टी का जरूरत पड़ेगी? जरूर, हम पूरे पर्यावरण में भी हमारे साथ में है, समाज सेवी हमारे साथ में है, मीडिया के लोग हमारे साथ में है। इस आंदोलन को बहुत वृहद स्तर पर ले जाएंगे और इस पेड़ को किसी भी कीमत पे, इस जंगल को किसी भी कीमत पर बचाने की कोशिश करेंगे। हेमंत जोशी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी इंदौर।